हाय गाइस, आप देख रहे हैं अधिमान ट्यूटोरियल। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारी इंग्लिश की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। एंड अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने डिस्कस किया जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर आरआईएमसी आरएमएस एंड सैनिक स्कूल, सो गो प्लीज चेक आउट देम, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर दिलाने में यू नो हेल्प करेंगे, राइट। चलिए तो हम बिना ही वक्त गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्डर्स के ऊपर, कि अगर मर्डर होते हैं अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, तो फिर उनको हम लोग क्या कहते हैं, राइट। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल। तो पहले हम ये जानते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर, राइट। तो बड़ी मात्रा में मारा जा रहा है, किनको मारा जा रहा है, डिफेंसलेस पीपल, निहत्थे लोगों को, निहत्थे डिफेंसलेस मतलब जो अपना बचाव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बचाव नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैसेकर्स, राइट। MASSACRE, मैसेकर्स, मैसेकर्स, ओके। देन अब इसमें मैं आपको कुछ पिक्चर नहीं दिखा सकता, राइट, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी हमारे फौज वगैरह में होती, मतलब जब भी वॉर वगैरह होगा, या इन फ्यूचर जितने, चलिए इन फ्यूचर का तो मैं कभी होप ही नहीं करता हूँ, ना ही हो तो ज्यादा बेटर, बट अभी रशिया एंड यूक्रेन का जो भी सीन चल रहा है, अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन भी हमारे आ सकते हैं, राइट। चलिए, या फिर मैं ही उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इन विच आई विल टोटली एक्सप्लेन द सिचुएशन सिनेरियोस व्हाई दिस is going on, right? और कब खत्म होना, कब खत्म होने वाला है, कितनी chances है, इस हिसाब से, right? चलिए, तो हमारा जो दूसरा sentence है, that is the murder for political reason. कोई ऐसे political reason के ऊपर जब भी murder होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं assassination, right? Assassination. ASSASSINATION. Then assassination. Okay? इसकी spelling ध्यान में रखिएगा and जब भी कोई मर्डर पॉलिटिकल रीजंस के वजह से होते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, असैसिनेशन, डन। चलिए, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट सेंटेंस, व्हिच इज द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, मतलब किसी की बहन को मारना, राइट। किसी की बहन का अगर मर्डर हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहने वाले हैं, सोरोसाइड। अब यहाँ पे सोरो इट मीन सिस्टर से है, एंड साइड इट मीन्स CID का मतलब है यहाँ पे आपका किलिंग, राइट, किलिंग, ओके, यहाँ पे है। देन चलिए, अब वापस हम देखते हैं द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, यहाँ पे मर्डर हो रहा है, बट किसका हो रहा है, हस्बैंड का हो रहा है, तो ऑब्वियसली मर्डर हो रहा है, तो इट मीन साइड तो हो गए राइट में, बट हस्बैंड है तो मैरिटी साइड, ठीक है, मैरिटी। अभी आगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, मैरिटी है, MARITICID, देन MARI, मैरी है इन द फर्स्ट, ओके। चलिए, एंड जो दूसरा हमारा वो है द मर्डर ऑफ वंस मदर, अगर मदर का मर्डर हो रहा है, मॉम का मर्डर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रीसाइड, MATRI, वहां था MARI, यहाँ था MATRI, देन कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। अगर किसी के हस्बैंड जा रहे हैं, जिनके हस्बैंड का मर्डर हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, मैरिटीसाइड, MARITICID, बट अगर मम्मी का मर्डर हो रहा है, तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे, मैट्रीसाइड, MATRI, मैट्रीसाइड, देन। चलिए,